हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। सो इट इज़ आल्सो नोन एज NMES। सो NMES इज़ द एब्रीविएशन फॉर न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। सो इसके अंदर एक डिवाइस होती है, ये बेसिकली एक डिवाइस टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भेजता है नर्व्स को, और ये इम्पल्सिस नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज दी स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ द मशीन लुक्स लाइक। आपने देखा कि एक मशीन रखी हुई है, उसके थ्रू कुछ केबल जा रही है, इलेक्ट्रोड्स बंधे हुए हैं वहाँ पे, स्ट्रैप हो रखे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से पेशेंट की फिंगर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और वो बॉल को प्रेस कर पाएगा। सो इसके पैरामीटर्स की बात करूँ, सो करंट टाइप यूज इज़ बाय फेजिक, एक ही फेज होता है और प्री मॉड्यूलेटेड। टोटल करंट फ्लो इज़ 0 to 200 मिली एम्पियर। पल्स फ्रीक्वेंसी इज़ 1 to 200 PPS। फेज ड्यूरेशन इज़ 20 to 300 microsecond एंड इंट्रा पल्स इंटरवल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 microsecond। सो दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स फॉर द न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। वेव फॉर्म आप देखोगे तो इसके दो वेव फॉर्म हैं, बैलेंस्ड बायफेजिक एंड प्री मॉड्यूलेटेड। देन इज़ द आउटपुट मॉड्यूलेशन। सो इट कंसिस्ट ऑफ इंटेंसिटी, ड्यूटी साइकिल एंड रैम्प। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है, अगर हम मसल री एजुकेशन के लिए दे रहे हैं तो इसको हम डेली दे सकते हैं, ठीक है, बट पेशेंट को कोई अनड्यू पेन या फटीग नहीं होना चाहिए। एट्रोफी डिले करनी है तो हम थ्रू आउट द डे भी यूज़ कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ अ पोर्टेबल स्टिमुलेटर, बट अगेन वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इंडिकेशंस क्या क्या रहेंगी इसकी? मेंटेनिंग रेंज ऑफ मोशन फॉर मसल री एजुकेशन, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए, डिसयूज एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए, टू इंक्रीज द लोकल ब्लड फ्लो एंड टू डिक्रीज मसल स्पास। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेंगे इसके? मस्कुलोटेंडिनस लेजन है कोई अगर, तो उस पर हम नहीं देंगे। केसेस इन विच देयर इज़ नॉट अ सिक्योर बोनी अटैचमेंट टू द मसल, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर है कोई, तब नहीं देना। कार्डियक डिसेबिलिटी और अनकंट्रोल्ड कोई बीमारी है उसमें। देन इज़ दी हेमरेज, साइट ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट्स, प्रेगनेंसी, कैंसरस लेजन, एक्सपोज मेटल है कोई, इम्प्लांट है, हिस्ट्री ऑफ सीजर्स है, तो उसमें हमारा न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। प्रिकॉशंस हम क्या लेंगे? जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, नहीं तो पेशेंट को बर्न्स हो जाएंगे या फिर स्किन इरिटेशन हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे दिया तो उसकी वजह से मसल स्पास्म हो सकता है, मसल सोरनेस भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन है, इट कैन जनरेट टेंशन विद इन द मसल, तो वो ज़्यादा ना हो जाए, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। देन यूजेज ऑफ एनी NMES मसल री एजुकेशन के लिए, स्पास्टिसिटी कम करने के लिए, एट्रोफी को डीले करने के लिए एंड फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग रिडक्शन। सो न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए, क्योंकि इसमें हम लार्ज एम्पलीट्यूड और लॉन्ग फेज ड्यूरेशन देते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन देता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। एम क्या है? अगर हमारा एम है टू इंक्रीज दी मसल स्ट्रेंथ, तो जो ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी है वो उतनी ही होनी चाहिए जितना पेशेंट अलाउ करे। ऐसा नहीं पेशेंट कह रहा है कि बस अब रुक दो और हम कह रहे हैं नहीं नहीं आपकी मसल और स्ट्रांग हो जाएगी तो आप और लो। नहीं, जितना पेशेंट अच्छे से टॉलरेट करे आपको खुद ही बता देगा उतने पे। इफ़ द एम इज़ टू री एजुकेट द मसल, अ माइल्ड टोनिक कॉन्ट्रैक्शन इज़ रिक्वायर्ड। सो लॉन्ग फेज ड्यूरेशंस आर नीडेड टू एलिसिट क्वालिटी इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गर मोर कंफर्टेबल ट्रीटमेंट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन द शॉर्टर फेज ड्यूरेशन रिक्वायर टू ऑब्टेन अ मसल कॉन्ट्रैक्शन एट द लोएस्ट इंटेंसिटी इज यूज्ड। तो अब ये डिपेंडिंग कि आपको किस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए पेशेंट की मसल का, उस हिसाब से आप अपना पैरामीटर सेट कर सकते हो। देन इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पल्सेस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन ऑफ पेन नर्व फाइबर्स। NMES कैन प्रोड्यूस टॉर्क इक्वल टू 90% ऑफ द मैक्सिमम वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग आइसोमेट्रिक मसल स्ट्रेंथ। तो अब डिफरेंस क्या रहता है बिटवीन वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि हम एक खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक कोई दूसरा इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकली इंड्यूस डिवाइस से हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जब हम वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो हमारे स्मॉल डायमीटर टाइप 1 मोटर नर्व्स हैं वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
जो टाइप वन फाइबर्स होते हैं ना वो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट करते बिकॉज दे आर फटीग रेजिस्टेंट, इनमें जल्दी से फटीग नहीं आता, तो ये फोर्स तो कम प्रोड्यूस करते हैं बट ये बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। वेयर एज जब हम मशीन के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, जैसा कि हम NMES में कर रहे हैं, तो जो हमारे जो टाइप टू मोटर फाइबर्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, वो पहले एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं एज़ कम्पेयर टू टाइप वन। अब टाइप टू फाइबर्स क्या होते हैं, ये फोर्स तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पर ये थक भी उतनी ही जल्दी जाते हैं, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे घटती जाती है बिकॉज ये बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। पर ये डिफरेंस होता क्यों है ऐसा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलेटिव साइज ऑफ द नर्व्स एंड देयर डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ द स्किन, इसलिए ये फ़र्क आता है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कॉजेज डीप पोलराइजेशन ऑफ लार्ज डायमीटर टाइप टू नर्व बिकॉज देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। अब भैया आप करंट दे रहे हो, ठीक है, किसी मसल के ऊपर, स्किन के ऊपर करंट लगा रहे हो, तो वो तो सबसे पहले किसी आसान चीज़ को इवोक करवाएगा ना, तो उसके लिए टाइप टू को कॉन्ट्रैक्ट कराना, उनको स्टिमुलेट करना ज़्यादा आसान है, तो उसने उसे स्टिमुलेट करा दिया। इन एडिशन जो ये टाइप टू वाले नर्व फाइबर्स होते हैं ना, मोटर नर्व फाइबर्स मसल के, ये ज़्यादा सुपरफिशियल भी होते हैं और जो टाइप वन होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, ये भी एक रीज़न है कि ये पहले स्टिमुलेट हो जाते हैं। दूसरा है हमारा इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने कराई तो उसकी वजह से जो हमारा पेरिफेरल ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन। ब्लड फ्लो इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट, एक मिनट शुरू के एक मिनट में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, उसके बाद वो एक स्टेडी स्टेट पर रहता है। दिस रिस्पॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टिमुलेशन इंटेंसिटी। स्वेलिंग रिडक्शन, अब ये हेल्प करता है हमारा मोटर लेवल एडिमा को कम करने के लिए। प्रोटोकॉल क्या रहेगा ऑफ यूजिंग HVPS कैन बी यूज्ड विद दिस करंट, यानी कि जो मैंने हाई वोल्टेज पल्स स्टिमुलेशन में आपको बताया था कि हम कैसे रिड्यूस करते हैं मोटर लेवल रिडक्शन एडिमा का, वही हम सेम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे मैंने सारा पैरामीटर्स अच्छे से डिस्कस किए हैं इसके। सो अ लो पल्स फ्रीक्वेंसी और अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ 50% ड्यूटी साइकिल यूज़ करते हैं हम इसमें। इंटेंसिटी इतनी है कि हमें विजिबल कॉन्ट्रैक्शन दिखे बट इतनी भी नहीं कि वो बिल्कुल ही अनवांटेड मूवमेंट कर दे जॉइंट की। देन द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। तो हम तीन तरीके से इलेक्ट्रोड को प्लेस कर सकते हैं, बायपोलर, मोनोपोलर एंड क्वाड्रीपोलर। बायपोलर जो टेक्निक है ये बहुत कॉमनली हम अप्लाई करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोड है हम उनको प्लेस करते हैं ओवर द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द मसल या मसल ग्रुप पे। तो एक लार्ज इलेक्ट्रोड होता है तो एक जनरलाइज कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है बिकॉज वो बहुत सारे मोटर पॉइंट्स को कवर करता है, और जो स्मॉल वाला इलेक्ट्रोड होगा वो बहुत स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। मतलब जब मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो मैं स्मॉल इलेक्ट्रोड यूज़ करूँगी क्योंकि वो सिर्फ उस मसल की ही कॉन्ट्रैक्शन देगा, और अगर मुझे बहुत वेगली एक लार्ज मूवमेंट की मसल को स्टिमुलेट करना है तो आई विल यूज़ लार्ज इलेक्ट्रोड। फिर आते हैं हमारे मोनोपोलर और क्वाड्रीपोलर टेक्निक। तो मोनोपोलर में एक स्मॉल होता है और एक लार्ज इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं और एक ही हैंड हेल्ड एप्लीकेटर होता है। तो दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट इज़ यूजफुल व्हेन अ स्पेसिफिक मसल और अ मसल ग्रुप इज़ द टारगेट फॉर द ट्रीटमेंट। क्वाड्रीपोलर में हम दो सेपरेट चैनल यूज़ करते हैं, यानी कि चार इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन स्टिमुलेटिंग एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप। सेटअप एंड एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले मुझे स्विच ऑन करना है और जो मेरी आउटपुट की इंटेंसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। प्रिपेयर करने हैं इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, अच्छे से उनको पेशेंट की स्किन के साथ कॉन्टैक्ट बनवाना है उनका, ठीक है, पल्स विद सिलेक्ट कर ली, पल्स फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, जितने मतलब जितने भी पैरामीटर्स हैं मशीन के वो सारे सिलेक्ट कर लेने हैं आपको। देन उसके बाद जो करंट वेरिएबल्स हैं, रैंप, ड्यूटी साइकिल, उन सबको आपने एडजस्ट करना है। फिर फ्रीक्वेंसी को आप देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ योर पेशेंट। देन आप टाइमर लगाइए कि कितने ड्यूरेशन आप देना है ट्रीटमेंट का, एंड देन प्रेस द स्टार्ट बटन। उसके बाद आप धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है वो उसको इंक्रीज करते जाएंगे कि आपको एक विजिबल कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे, ठीक है, बट इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी एबिलिटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कि वो कितना करंट ले सकता है, सहन कर सकता है। देन एडजस्ट रैंप फॉर ट्रीटमेंट गोल्स एंड एडजस्ट द ड्यूटी साइकिल टू मैच द ट्रीटमेंट गोल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट NMES, दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।